हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम है शिवानी। आज मैं आपको बताने वाली हूँ हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। हमीरपुर हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा जिला है, जो अपने में समृद्ध इतिहास समेटे हुए हैं। हमीरपुर का इतिहास कटोच वंश के साथ जुड़ा हुआ है, जिनका प्राचीन काल में रावी और सतलुज नदियों के बीच के क्षेत्र पर शासन था। 1700 में आलमचंद की मृत्यु के बाद हमीरचंद कांगड़ा के शासक बने। उस समय कांगड़ा मुगलों के अधीन था। हमीरचंद ने 1700 से लेकर 1747 तक कांगड़ा रियासत पर शासन किया। हमीरचंद ने 1743 में जिस स्थान पर एक किले का निर्माण किया, वही स्थान आज हमीरपुर के नाम से जाना जाता है। हमीरपुर नाम हमीरचंद के नाम से पड़ा। राजा संसार चंद ने 1775 से 1823 तक यहाँ पर शासन किया। राजा संसार चंद के राज्यकाल में हमीरपुर अधिक प्रचलित व प्रसिद्ध हुआ। उन्होंने सुजानपुर टिहरा को अपनी राजधानी बनाया और उस जगह पर महलों और मंदिरों का निर्माण करवाया, जैसे कि गौरी शंकर मंदिर, मुरली मनोहर मंदिर, नर्वदेश्वर मंदिर, हमीरपुर की होली। हमीरपुर कांगड़ा जिले की एक तहसील था और ये पंजाब का हिस्सा था। नवंबर 1966 पंजाब पुनः गठन के समय कांगड़ा तथा अन्य कई पहाड़ी क्षेत्र हिमाचल को सौंप दिए गए। 1 सितंबर 1972 में हमीरपुर को अलग जिला बनाया गया। जब हमीरपुर को जिला बनाया गया, तब इसमें सिर्फ दो तहसीलें थीं, हमीरपुर व बड़सर। 1980 में तीन और नई तहसीलें जोड़ी गईं, सुजानपुर टिहरा, नादौन, भोरंज। अब हमीरपुर में 7 तहसीलें हैं, हमीरपुर, बड़सर, नादौन, भोरंज, सुजानपुर, टौणी देवी, बिजड़ी। तो मेरी फर्स्ट वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। Okay, bye. Take care.